बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 15 बादशाह का यूं अचानक हमले के हक में फैसला कर लेना भी तुरकान शाह की वजह से था बात यह हुई थी कि तुर्कानशा ने गुजिश्ता शब बादशाह के साथ खूब बहस की थी वो याकूत हबशी को कत्ल कर देने का मुतालबा लेकर आई थी लेकिन बादशाह ने उसका मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया सुल्तान बेगम तुर्कानशाह के मिजाज से बाखूबी वाकिफ था यही वजह थी कि उसने तुर्कानशाह की जगह कुतुब बेगम को अपनी मलिका बनाया था वो ये भी जानता था कि तुर्कानशाह के, तुर्कान के लाड प्यार ने रुकनुद्दीन को बिगाड़ दिया है शाह ने सुल्तान को भड़काने की बहुत कोशिश की थी उसने सुल्तान को यह भी बताया कि रजिया ने याकूत को महल बाद का कुछ न बन पड़ा तो उसने बादशाह को धमकी दी देखिए अगर आप इस हबशी गुलाम को सजा नहीं देंगे तो रुकनुद्दीन उदिन हथे से उखड़ जाएगा जवान औलाद को इतना नाराज भी नहीं करना चाहिए कि वो बिदक कर माँ बाप का एहतराम ही भूल जाए तब बादशाह ने तुर्कान शाह से कहा ऐसी कोई बात नहीं मैं रुकनुद्दीन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ मैं चाहता हूँ ग्वालियर जाने वाले लश्कर की कमान रुकनुद्न को सौंप दूँ वो एक अच्छा सिपाही और माहिर शमशेर जद है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मुंह से यह बात सुनकर तुर्कान शाह के पैरों तले से जमीन निकल गई अव्वल तो वो ये ना चाहती थी कि ग्वालियर पर हमला हो दो एक खतरनाक जंगी मुहिम पर उसका इकलौता चहिता बेटा भेजा जाए ये बात तो वो किसी कीमत पर गवारा नहीं कर सकती थी की हालत गैर हो गई एक तरफ तो उसे गुस्सा था और वो चाहती थी कि वो बादशाह का मुंह नोच ले और दूसरी तरफ वो खौफ सदा थी कि बादशाह आखिर बादशाह है अगर हद अदब को अबूर करेगी तो बादशाह उसे भी सजा देने से गुरेज ना करेगा चुनाचे उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा सुल्तान मज़ब शहजादा रुकनउ अभी बच्चा है मैं उसकी जान के ख्याल से ये नहीं कह रही बल्कि मुहिम की अहमियत के हवाले से बात कर रही हूँ वो यकीनन अच्छी तरह से यह जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेगा मैं उसकी माँ हूँ ग्वालियर पर हमला करने के हक में तो सुल्तानी नहीं होगा अच्छी तरह से समझ रहा था कि के मुनाफिक दिल में क्या है लेकिन वो अपने वकार के हाथों मजबूर था लिहाजा खामोश रहा और तुर्कान शाह को महल चरा में जाने की इजाजत दे दी आज दरबार में दाखिल होते ही सुल्तान के दिल में रात की गुफ्तगू थी और वो रात ही फैसला कर चुका था सुबह होते ही अहलिया ने दरबार के सामने अपना आखिरी फैसला सुना देगा सुल्तान का, का मुसम्म इरादा देख कर ने दरबार कुछ न बोले तुर्कान शाह के हिमायती उमारा दिल ही दिल में मुंह बिसोर रहे थे सुल्तान अल्तमश का दरबार इसलिए भी दरबार खिलाफत के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा ऐवान था जिसमें तातारियों की अलगार के बाद ईरान के बेशतर उलमा और फजला ने हिंदुस्तान में पनाह ली थी अल्तमश इल्म फजल का बड़ा कदरदान था उसका दरबार उन उलमा का सरपरस्त और निगहबान बन गया जिन्हें मंगोलों ने उनके मुल्कों से निकाला था उन उलमा ने अल्तमश के दरबार को इल्म फजल की रोशनी से मुनवर कर दिया था मशहूर शायर रूहानी ने दिल्ली में पनाह ली और सुल्तान की तारीफ तारीफो तोसीफ़ में कसीदे लिखे अल्तमश के अहद हकूमत में उर्फ़ी ने अपनी किताब जवाम उलहिकयात लिखी और उसे वजीर आजम निजामुल मुल्क मोहम्मद बिन अबी साद जुनेदी के नाम से नवाजा एक तवील खामोशी के बाद सुल्तान ने अपने अहलियान दरबार को फिर मुखातिब किया ने सल्तनत गुजशत दिनों के बहसों मुबासे से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सल्तनत इस्लामी शमसी के लिए इसी साल ग्वालियार पर हमला करना बहुत बेहतर है आज मैं बाहसीत सुल्तान हिंद ये अहकाम जारी करता हूँ के ग्वालियर मालवा और उज्जैन के इलाके पर इस्लामी अफवाज इसी साल हमला करेंगी इस लश्कर की क्यादत शहजादा आलम रुकनउ्दीन फेरोज शाह फरमाएंगे और इस हमले की तैयारियां आज से शुरू की जाएंगी सुल्तान के अहकाम सुनकर सब दरबारी हक्का बक्का रह गए शजादा रक्नुद्दीन के नाम का ऐलान एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर थी सब जानते थे कि बादशाह का यह बेटा ना अहल है अहलिया ने दरबार बादशाह के दूसरे बेटे कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह की बहुत इज्जत करते थे और मोहम्मद शाह को इस लायक समझते थे कि वो किसी बड़ी फौज की कयादत कर सके लेकिन रुकनउद्दीन तो शराबी था वो फितरतन अय्याश था उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना अकलमंदी की बात नहीं थी खास तौर पर वजीर आजम अजम निज़ामद इबन अभी सात जुनेदी इस फैसले से मुस्तरिब हो गया वजीर निजामुल मुल्क ने निहायत एहतराम से अर्ज की सुल्तान हमारी फौज के सिपार अमीर दाद शा आलम शाजादा नासिरुद्दीन महमूद से एक जंगी साथी की हैसियत से ज्यादा मानूस है और फिर शजादा रुकनुद्दीन का तजर्बा भी शजादा नासरुद्दीन महमूद से कम है बेहतर यह होगा कि इस लश्कर की क्यादत शा नासुरुद्दीन महमूद को सौंपी जाए सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद जो लखनौती का सूबेदार था शहजादा कुतबुद्दीन मोहम्मद शाह का हकीकी भाई था शजादा मोहम्मद शाह दिल्ली के महल में ही मुकीम था जबकि कुतुब बेगम का बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद लखनौती के सूबे पर हुकूमत करता था तुर्कान शाह का बेटा रुकनुद्दीन अपने उन दोनों भाइयों से बेपनाह हसद करता था बिल्कुल वैसा जैसा उसकी माँ तुर्कान शाह अपनी सोतन कुतुब बेगम से करती थी यह कुतुब बेगम की तरबियत का असर था कि उसकी औलाद लायक थी महमूद और मोहम्मद जहीन बहादुर और कौल के पक्के थे जबकि उनकी बहन रजिया अपनी मिसाल आप थी लेकिन तुर्कान शाह का बेटा रुकनुद्दीन अहल और बेकार लड़का था अभी बादशाह अपने आजम को जवाब दे भी ना पाया था कि के हिमायती उमरा में से अली जावेदानी ने उठकर सुल्तान से कहा सुल्तान सुल्तानी का यह फैसला दिलकश और मुताबिक हालात है शहजादा दीन के लिए यह एजाज की वो लश्कर की क्यादत करें वली अहदी से कम नहीं थी सुल्तान मुहजम की बसीरत बेमिसल है और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है की शहजादा आली तजर्बे में कम है तो ये बात दुरुस्त नहीं शहजादा आली लाखों में एक है और वो जरूर इस मुहिम में कामयाब होंगे न जाने क्यों सुल्तान के चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई तुर्कान शाह के हामी उमारा ने यह समझा कि रुकनुद्दीन को मिलने वाले एजाज से तुर्कान शाह खुश होगी क्योंकि इतने बड़े लश्कर की कयादत बहरहाल किसी एजाज से कम नहीं तुर्कान शाह के हिमायती उमारा ने अपने तई बेगम तुर्कान शाह और उसके बेटे के लिए मुहिम पर भेजे जाने के फैसले की हिमायत करके एक ऐसा काम किया था जो तुर्कान शाह को खुश रखने के लिए जरूरी था लेकिन वो ये बात ना जानते थे कि तुर्कान शाह रुकनुद्दीन के जंग पर भेजे जाने के खिलाफ है अली जावेदानी की देखा देखी तुर्कान शाह के हिमायती उमरा एक ही बोली बोलने लगे बादशाह की जीरक और दाना आंखों ने अहलिया ने दरबार के उन चेहरों को जहन नशीन करना शुरू कर दिया क्योंकि आज इत्तेफाक से बादशाह को साफ पता चल गया था कि दरबार में तुर्कान शाह के हिमायती कौन कौन लोग हैं दाना अल्तमज के जहन में क्या था क्या सचमुच वो रुकनउद्दीन को उस मुहिम पर रवाना करना चाहता था अगर ये सच था तो ये बादशाह की हमाकत थी रुक्नुद्दीन कभी भी ग्वालियर को फतह न कर सकता था क्योंकि वो एक नाअहल और बेकार इंसान था लेकिन बादशाह के होटों पर खिली दिलकश मुस्कुराहट देखकर यह लगता था कि जैसे बादशाह कोई खेल, खेल खेल रहा हो और यही बात सच थी बादशाह अपने बेटे के दिल में एहसास से जिम्मेदारी पैदा करना चाहता था अभी तो इस मुहिम के भेजने में चार माह का अरसा था खुदा जाने चार माह बाद मिजाज शाही में क्या आए और वो किसे भेज दे लेकिन आज के दिन उनका ये कहना के रुकनउद्दीन ही लश्कर की कयादत करेगा अपने बेटे की भलाई के लिए था गुजिश्ता शब्द तुर्कान शाह बातें करके बादशाह को बाखूबी अंदाजा हो गया था कि उसकी दूसरी बेगम तुर्कान शाह और उसका बेटा रुकनुद्दीन अब सल्तनत के लिए मुजिर साबित हो सकते हैं वो तुर्कान शाह को भी ना खोना चाहता था क्योंकि उसके पीछे भी उसकी कुछ मजबूरियां थी और रुकनुद्दीन तो खैर उसकी औलाद था अपने बेटे के बारे में वो कैसे बुरा सोच सकता था लश्कर की कयादत सौंपने में क्या बुराई थी ये एक मुसलमान शहजादे का मजहबी और विरासती हक था दरअसल बादशाह रुकनुद्दीन की जानिब से खेलों के मुकाबले वाले दिन ही फिक्रमंद हो गया था रुकनुद्दीन ने उस रोज जिस किरदार का मुजाहरा किया था एक बाप के लिए वो परेशान कुन था चुनाचे सुल्तान ने फैसला किया कि वो रुकनुद्दीन को लश्कर की कयादत सौंपेगा ताकि वो तैयारी के चार माह में खुद को एक बेहतर इंसान और बहादुर सिपाही साबित कर सके शहर लखनौती के खूबसूरत मकान में उस वक्त तीन लोग मौजूद थे ये तीनों एक नीम तारीख कमरे में बैठे धीमे लहजे में कुछ बात कर रहे थे उनमें से एक शख्स ने कहा जहर ऐसा हो कि जिसकी तासीर का किसी तबीब को पता न चल सके और शहजादा फिलफोर मर जाए जहर उसके बदन में दाखिल होकर उसकी हरकते कल बंद कर दे तबीब यही समझे कि वो हरकते कल बंद हो जाने की वजह से मरा है इस काम के लिए हमें जोगी या फेरे से रता करना होगा क्योंकि शहर के तमाम तबीब हमारे किसी काम के नहीं बेशक बाज वेद हिंदू हैं, लेकिन हम उनसे भी मदद नहीं ले सकते हमें किसी सन्यासी या जंगल जंगल फिरने वाले जोगी से ऐसा जहर लेना होगा उस शख्स की बात खत्म हुई तो दूसरा शख्स तेज लहजे में बोला धर्मदास ये काम है बहुत खतरनाक अगर शहजादे को हमारी साजिश की जरा सी भी भनक पड़ गई तो समझो सल्तनत शमसी में मौजूद हिंदू रियाय की खैर नहीं शहजादा आखिर बादशाह का बेटा है हम उसे जहर देकर कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं हमें यह काम निहायत सलीके और समझदारी से करना होगा जरा सी जल्दबाजी कोताही बेपनाह नुकसान का बास हो सकती है जिस शख्स ने धर्मदास को मुखातिब करके ये बात की थी उसे तीसरे शख्स ने नाम लेकर पुकारा शंकर तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मसला ये है कि हमारे पास साजिश बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है एक महीना तो पहले से गुजर चुका है अब हमारे पास सिर्फ तीन महीने हैं चौथे महीने तो सुल्तान अल्तमश की फौजें ग्वालियर की तरफ रवाना हो जाएंगी हमें इस लश्कर को रोकना है अगर हमने ज्यादा लंबी साजिश बनाई तो हम इस लश्कर को नहीं रोक सकेंगे और जनूबी हिंदुस्तान भी हमारे हाथ से चला जाएगा अगर ग्वालियर का राजा मंगलदेव तातारियों को मुसलमानों के खिलाफ तहफुज देने में कामयाब ना हो सका तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का नाम भी नहीं रहेगा भगवान के लिए कोई ऐसी तरकीब बनाओ जो एक माह या ज्यादा से ज्यादा दो माह में अमल पजीर हो जाए यह राजेश्वर की आवाज थी राजेश्वर ही साजिश का सरगना था सुल्तान अल्तमश के सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को कत्ल करने का असल मंसूबा दिल्ली के शाही महल में बैठी महमूद की सोतेली माह तुर्कान शाह इस्लामी लश्कर को रोकने का ये तरीका सोचा के में कत्ल करवा दिया जाए अल्तमा अपने ने पहलोटी के बेटे महमूद से बहुत प्यार करता था महमूद की मौत बेशक उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा सकती थी लेकिन महमूद की अचानक मौत के बावजूद भी क्या ऐसा मुमकिन था कि बादशाह अपनी मुहिम को मुलतवी न करता यही सोचकर तुर्कानशा और गुरदासराव ने उस साजिश का जाल और ज्यादा मजबूती के साथ बुना उनका मंसूबा यह था कि जो ही लखनौती के सूबेदार महमूद की अचानक मौत होती लखनौती में हिंदू मुस्लिम फसाद उठ खड़े होते और इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाते कि सुल्तान को ग्वालियर की तरफ रवाना होने की बजाय लखनौती का हंगामा खत्म करवाने की पड़ जाती लखनौती और ग्वालियर के रास्ते अलग अलग थे लिहाजा ये तो तय था कि अगर सुल्तान लखनौती की तरफ बढ़ता तो वह बर वक्त ग्वालियर ना पहुंच पाता और उसे ग्वालियर की मुहिम मुलतवी करके वापिस दिल्ली लौटना पड़ता और अगले साल जब तक वो ग्वालियर पर हमला करने के लिए तैयार होता तब तक चिड़िया खेत चुक जाती मंगल देव तातारियों के साथ मुरासलत कर रहा था ततारी इस्लाम की अजीम सल्तनत सल्तरत खोरजमशाही का खात्मा कर चुके थे लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत बाकी थी न जाने तातारियों को मुसलमानों के साथ क्या बैर था कि वो सब को छोड़ के मुसलमानों के पीछे पड़ गए थे 13वीं सदी ईस्वी मुसलमानों और तातारियों की खून रेज जंगों से लबरेज़ है सुल्तान अलमश भी आलमी हालात से बेखबर नहीं था लेकिन उसकी नादान मलिका अपने जाती हुई थी शजादा महमूद को कत्ल करने की साजिश दिल्ली के महल में ही बनाई गई थी जब तुर्कान शाह ने देखा कि बादशाह उसके बेटे को एक खतरनाक जंग पर भेजना चाहता है तो वो शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो गयी उसे अपना बेटा इतना प्यारा था की वो जंग में जाने का सुनकर पागल हो गयी और उसने दिल में ये सोचा की बादशाह उसके बेटे को खतरनाक जंग पर भेज मरवाना चाहता है हालांकि सोच उदीन तुर्कान, तुर्कान शाह के साथ साथ अल्तमश का भी बेटा था लेकिन तुर्कान शाह ने यह सोच लिया कि वो बादशाह के सबसे प्यारे बेटे महमूद को कत्ल करवा के बादशाह को उसी तकलीफ से दो चार करेगी जो बादशाह उसको देना चाहता था ये दुर्कान शाह की सरासर कज फहमी और नादानी थी वो अपनी अहमकाना दानिश मंदी के वहम में बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी और अब तो उसकी बनाई हुई साजिश पर अमल शुरू हो चुका था गुरदास राव के खुफिया हरकारे जो जाहरी तौर पर मुसलमान लेकिन असल में हिंदू पंडित थे लखनौती पहुंच चुके थे बदकिस्मत शहजादा उस साजिश से बेखबर था राजेश्वर और उसके दोनों साथी धर्मदास और शंकर अगले ही रोज अपनी साजिश में मसरूफ अमल हो गए शहजादा नासुरुद्दीन महमूद रजिया का बड़ा भाई था वो एक बहादुर सिपाही होने के साथ साथ एक रहमदिल और खुश मिजाज नौजवान था लखनौती का सूबेदार बनकर आया तो जल्द ही लखनौती मकबूल हो गया एक रोज शिकार के लिए निकला तो उसे कुएं पर पानी भरती लाजवंती पसंद आ गई लाजवंती का धर्म हिंदू मत था और शाजादा जालिम फितरत का मालिक नहीं था चुनाचे उसने लाजवंती को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश ना की और उसके इश्क में मुब्तला हो गया वह हर रोज लाजवंती को देखने के लिए शहर से बाहर जाने लगा शायद मोहब्बत की देवी उस पर मेहरबान थी चंद ही रोज में लाजवंती शहजादे की नीयत भाप गई पहले पहल तो वो कतराई लेकिन फिर कुछ दिन बाद खुद भी शहजादे में दिलचस्पी लेने लगी दोनों की मोहब्बत आंखों से निकलकर जबान पर आई और देखते ही देखते दोनों के दिल मिल गए लेकिन मजहब की मजबूरी दरमियान में थी शहजादे ने तो लाजवंती से इतना भी कह दिया कि वो बेशक अपना धर्म ना छोड़े वो फिर भी उससे ब्याह करने के लिए तैयार है लेकिन लाजवंती के माता पिता देवताओं के कहर ऐसी डरते थे वो कानों को छूते और राम राम पुकारने लगते लेकिन शहजादे की सोहबत ने लाजवंती के दिल पर इतना गहरा असर किया कि वो शहजादे के लिए अपना धर्म और घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई एक रोज वो शहजादे से मिलने के लिए आई और फिर घर वापिस न गई और अब वो न सिर्फ मुसलमान थी बल्कि बेगम के तौर पर उसके साथ मुकीम थी। राजेश्वर के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती थी कि शहजादे की बीवी लाजवंती पैदाइशी तौर पर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है यही बात सोचकर वो लाजवंती के माता पिता से मिलने उनके घर आया और लाजवंती के बाप सुखदेव को अपनी बेटी से मिलने के लिए कहा सुखदेव ने इनकार कर दिया और कहा कि उसकी बेटी उसके लिए मर चुकी है लेकिन राजेश्वर ने इंतिहाई मेहनत से बहुत कुछ समझाने के बाद बिलाखिर सुखदेव को लाजवंती से मिलने के लिए राजी कर लिया और कहा देखो चाचा तुम्हें धर्म के लिए कुर्बानी देनी होगी तुम अपनी बेटी से मिलो तो उसे हमारे बारे में कुछ ना बताना तुम महल में जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा तुम लाजवंती से मिलोगे उसके पास कुछ दिन रहोगे तो तब भी शहजादा तुम्हारी इज्जत करेगा जल्द ही तुम शहजादे के सामने एतमाद हासिल कर लोगे जब शहजादा तुम पर भरोसा करने लगेगा तो तुम्हारे लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा जिससे अब तुम डर रहे हो डरने की कोई बात नहीं है किसी को कानो कान खबर ना होगी यहाँ तक कि तुम लाजवंती को भी असल हकीकत से बेखबर रखोगे क्योंकि तुम्हारी बेटी शहजादे से प्रेम करती है ये बात खास तौर पर ध्यान में रहे लाजवंती का बाप सादा लो जमींदार था मक्कार राजेश्वर की चिकनी चपड़ी बातों में आ गया और फिर कुछ रोज बाद वो लखनौती के महल में अपनी बेटी से मिलने आ पहुंचा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस जैसे जाहो जलाल और मजबूत आसाब के मालिक शख्स के लिए भी अपने प्यारे बेटे नासरुद्दीन महमूद की नागहानी मौत की खबर दिल दहला देने वाली थी तुर्कान शाह के तरकश का तीर चल चुका था सुल्तान जवान बेटे की मौत तो सह सकता था लेकिन नासिरुद्दीन महमूद जैसे फर्मा बरदार और मतीन लगते जिगर की मौत उसके आसाब पर बिजली बनकर गिरी वो एक ही दिन में निहायत बूढ़ा और बीमार नजर आने लगा जबकि तुर्कान शाह के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे उसने सुल्तान की हालत देखी तो उसे यकीन हो गया कि सुल्तान इस साल ग्वालियर पर हमला मुलतवी कर देगा तुर्कान शाह के सितारे बुलंदी पर थे उसकी सारी साजिशें कामयाब हो रही थी महमूद की अचानक मौत ने जहां उसकी माँ बहन भाई और बाप को तोड़ कर रख दिया था वहाँ लखनौती में होने वाले फसादात की खबर ने सुल्तान को और ज्यादा परेशान कर दिया तुर्कान शाह एक साजिशी किरदार थी उसकी साजिश कामयाब हुई बादशाह सारे मंसूबे छोड़कर लखनौती की जानिब चल पड़ा बादशाह और मलिका को अगरचे यही बताया गया था कि शहजादे ने तभी मौत से वफात पाई है लेकिन न जाने क्यों रजिया का दिल ये बात तस्लीम ना करता था दरअसल वो तुर्कान शाह के चेहरे पर इतमान की लहर देखती तो उसके दिल में शक के संपोलिए सर उठाने लगते वो सोचती कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके भाई को उसकी सोतेली माँ ने साजिश मरवा दिया हो बादशाह आंधी और तूफान की तरह लखनौती पहुँचा और उसने लखनौती में होने वाले फितना फसाद को बड़ी चाबुकदस्ती ऐसी खत्म कर दिया बादशाह फितना खत्म करने के बाद लखनऊती की हकूमत अपने मुशी खास मलिक अलाउद्दीन जानी के सपूर्द करके पाया तख्त दिल्ली की तरफ लौट आया तुर्कान शाह जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ ग्वालियर की मुहिम मुलतवी कर दी गई और ऐसी मुल्तवी हुई कि आने वाले दो साल तक बादशाह अपने इरादे पर अमल न कर सका ये तो उसकी खुश नसीबी थी कि तातारी मुसलमानों की हिंदुस्तानी सल्तनत को खत्म करने की बजाय मुसलमानों के मरकज खिलाफत बगदाद को ताड़ने लगे और सुल्तान सोचता था कि तातारी बगदाद को कभी भी फतह न कर सकेंगे दरअसल सुल्तान अभी हलाकू खान को नहीं जानता था क्योंकि अभी तो हलाकू खान का दादा चंगेज खान खुद तातारियों का बादशाह था दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद अचानक फोत हुआ था साजिश का किस्सा नावल का हिस्सा है तारीख नहीं तुर्कान शाह एक साजिशी किरदार था बहावाला तबकात नासरी और तारीख मुबारक शाही सुल्तान के ये दो साल बड़ी मुश्किल से गुजरे वो ज्यादातर दिल्ली में ही मसरूफ रहा तुर्कान शाह की महल्लाती साजिशें बदस्तूर जारी रही जमालुद्दीन याकूद हपषी दस्ताए सुल्तानी का सालार बन चुका था लेकिन आज भी के दिल में उसके लिए नफरत के जज्बात कम न हुए थे तुर्कान शाह चाहती तो याकूद हपषी को कत्ल करवा देती लेकिन उसने जान बूझ कर ऐसा ना किया था दरअसल वो ये ना चाहती थी कि जहीन फतीन रजिया उस पर मजीद शक करे जब से रजिया का बड़ा भाई नागहानी मौत से फोत हुआ था तब से अब तक रजिया के शक की निगाहें तुर्कान शाह पर गड़ी हुई थी इसलिए उसने अभी तक याकूद को कत्ल करवाने का नहीं सोचा था क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो रजिया का बरह रास शक उसी पर जाता और तुर्कान शाह जानती थी कि सुल्तान रजिया की बात पर किस कदर यकीन करता है याकूत हबशी दस्ता शाही का मुहाफिज सालार होने के बाद में इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा था वो हबशी था लेकिन अब उमराए सल्तनत भी उसे बादशाह का मुंह बोला बेटा ही समझते थे बात को बहुत खटकती थी जब कभी वो मुहाफिज सिपे सलार को देखता तो रुकुदीन का खून खोल उठता हालांकि गुजश्ता दो साल से ऐसे मुत्द मौाक़ आए थे कि याकूत हब्शी ने शजादे को मनाने की कोशिश की वो नहीं चाहता था कि बादशाह का बेटा जो एक तरह से उसका भाई था उससे नाराज रहे लेकिन रुक्नुद्दीन भी आखिर तुरकान जैसी कीना परवर औरत का बेटा था शहजादा महमूद की वफ़ात के बाद सुल्तान की मोहब्बत का मरकज शहजादी रजिया और शहजादा मोहम्मद बन गए शहजादा मोहम्मद बहुत हसीन था ऐसा कोबरू नौजवान पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं था उसके सर्व कद बदन में बिजली जैसी चमक और खिलती हुई रंगत में शोले जैसी लपक थी वो रजिया से बड़ा था उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी रोशन थी कि देखने वाला उनमें दुनिया भर की तमाम सच्चाइयां एक साथ देख लेता वो सिर्फ एक नाजुक मिजाज शहजादा ही ना था बल्कि एक मर्द मैदान और फड़कती हुई मछलियों के बाजुओं वाला माया ना शमशीर और माहिर शहसवार था दिल्ली के महल में शहजादा मोहम्मद की मौजूदगी से हमेशा सुल्तान की ढारस बंदी रहती लेकिन एक बात थी रजिया लड़की होकर भी शहजादा मोहम्मद से ज्यादा जहीन थी दोनों बहन भाई जब आपस में शतरंज खेलते तो मोहम्मद हमेशा मात खा जाता रजिया तो बाज़ बात सुल्तान को भी मात कर देती थी दोनों बहन भाई सारे महल सरा की जान थे महल की कनीजे और खादमाए मोहम्मद पर जान छिड़कती थी और रजिया को अकीदत के नजर से देखती थी अब रजिया मुकम्मल जवान दोशीजा थी दोनों बहन भाइयों का शबाब पूरे हिंदुस्तान में बेमिसल था वो इकट्ठे होते तो शरारते भी बहुत करते थे खास तौर पर मोहम्मद रजिया को जरा जरा सी बात पर चपत लगा देता या चोटी पकड़ लेता तो रजिया चिल्लाने लगती वो एक दूसरे के साथ मखोल करते हुए भूल जाते कि वो एक बड़ी सल्तनत के शहजादा शहजादी है जब शहजादा फारिग होता तो घर में माँ और बहन के पास आकर रहता और जब घर में ना होता रजिया खुद घोड़े पर सवारों के जलूस में अपने भाई तक पहुँच जाती वो शहर से बाहर सबसे बड़े हिफाजती किले मुकी जंगी मशकों में मशगूल रहता था उसके जिम्मे सल्तनत के बहुत से खुफिया कामों की सर अंजाम दही का फरीजा था उस काम में रजिया उसका हाथ बटाती थी एक तरह से वो सल्तनत के जासूसी निज़ाम का सर था और रजिया उसकी मुशीर उसके बहुत से कारिंदे लाहौर मुल्तान उच बकर गवालियर और मालवा में भी मसरूफ अमल थे काम की नोत ही ऐसी थी कि उसे सिपागरी की घुड़सवारी और खेल कूद के लिए काफी वक्त मिल जाता महल में तो रजिया और वो बिल्कुल बच्चे बन जाते वो महल के बाकी बच्चों को साथ मिलाकर अमूमन वस्ती चमन जार में निकल आते और चांदनी रातों में आंख मचोली खेलते उस खेल में कई कनीजे भी शामिल हो जाती और खूब हल्ला गुल्ला मच जाता शहजादा मोहम्मद का मिजाज ही ऐसा था कि हर कोई उसका दोस्त बन जाता और याकूत हबची तो उस शहजादे पर फिदा हो चुका था दोनों बहुत गहरे दोस्त बन चुके थे याकूत को जब भी फारिग वक्त मिलता वो शहजादे के पास किले में चला जाता बासुकात रजिया की मौजूदगी में ही याकूत पहुंच जाता तो कभी कभार ऐसा होता कि याकूत शहजादा मोहम्मद के पास होता और ऊपर से रजिया आ जाती अगरचे महल सरा की दीगर खातिन की तरह रजिया भी पर्दा करती थी लेकिन वो पर्दे की शिद्दत की कायल न थी उसका चेहरा हमेशा खुला रहता और एक शहजादी के बदन पर मौजूद रेशमी लिबास हमेशा शाही खातन के मखसूस दो शाले तले छुपा रहता उसके सर पर हमेशा रेशमी चादर होती, जो उसके शरबती गालों को वक्फे वक्फे से छूती रहती रजिया का हुसन किसी नीली झील में झांकते चौधवी के चांद जैसा था वो अपनी लंबी लंबी पलकें उठाती तो गोया शबिस्तानों के दर खुल जाते रजिया के होंठ गुलाबी थे और उसके होठों की धारियां बड़े से बड़े तिराक को अपनी गहराई में डबो देने के लिए काफी थी चमकते दांतों की लड़िया होटों के साथ ही खुलती तो गोया मोती के फूल निछावर करने लगती उसके मेहराबी आबरू अपने कोनों से पतले थे गोया शमशीर की नोक लेकिन जब वो मुस्कुराती तो उसकी आंखों से रहमत की बरसात होने लगती रजिया शहजादा मोहम्मद और याकूत हबशी महल के चमन में बिछी नशितों पर बैठकर अक्सर बातों ही बातों में न जाने कहां से कहां निकल जाते एक रोज़ याकूत हबशी ने शहजादा मोहम्मद से सवाल किया तुम शहजादगी में पले बड़े हो और मैं गुलामी में तुम्हारे और मेरे एक जैसे नहीं हो सकते तो फिर ऐसा साथ एक जैसे क्यों हो सकते हैं शायद जिस बात पर मैं खुशी महसूस करता हूं उस पर तुम खुशी महसूस ना करो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दो इंसान एक जैसे एहसास के मालिक हो ही नहीं सकते तो खुशी और गम का क्या मैार रह जाता है शहजादा मोहम्मद ने जोर से कह कहा लगाया अरे याकूत तुम तो फलसफा भगड़ने लगे हम सिपाही हैं ये काम अलामा जो जानी के लिए छोड़ दो और फिर तुम्हारे जहन में यही सवाल क्यों है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो या हबशी खला में घूर रहा था उसने शहजादे की बात का जवाब ना दिया बल्कि शहजादे की बात सुनी और किसी सोच में गुम हो गया तब रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो जमालुद्दीन तुम्हें छोटी छोटी कामयाबियों पर भी ज्यादा खुशी और सरशारी महसूस होती है जबकि हमने बहुत सी ऐसी चीजें पहले ही हासिल कर रखी हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है या कभी नहीं थी जाहिर है जब तुम्हें ये चीजें मिली होंगी तो तुमने फखर और सरशारी महसूस की होगी मैं तो समझती हूँ जिसने गम ज्यादा देखा हो ज्यादा खुश नसीब होता है लेकिन आज रजिया और मोहम्मद हैरान थे कि याकूत हफ् ने ऐसा क्यों कहा इससे पहले तो कभी याकूत ने ऐसी बातें ना की थी और अगले लम्हे दोनों बहन भाई और ज्यादा हैरान हुए जब उन्होंने याकूत की आंखों में दो नन्नी नन्नी बूंदे देखी ये क्या ये आज जमालुद्दीन को क्या हो गया था रजिया का दिल उदास हो गया उसने बड़े प्यार से याकूत की तरफ देखा तो उसे उस काले हफ् के चेहरे पर सच्चाई और जुस्तजू का ऐसा हुस्न दिखाई दिया कि उसके होठ बे जमालुद्दीन पुकार उठे उसने याकूत से पूछा क्या बात है जमालुद्दीन आज तुम तुम इस कदर दिल की हो? तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले और जफाकश इंसान हो याकूत की उदासी देखकर शजादा मोहम्मद भी संजीदा हो गया और उसने भी मलायम लहजे में पूछा क्या बात है मेरी जान तुम क्यों खफा हो तब याकूत हफ्शी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई मुझे उसकी शक्ल याद नहीं बाप एक अमीर ताजिर का गुलाम था जो मेरे बाप पर बहुत जुल्म करता था उसे जरा जरा सी बात पर थप्पड़ों जूतों के कोड़ों से पीटता था मैं एक कोने में खड़ा रोता रहता मैं अभी छोटा ही था कि हमारे मालिक ने मेरी पीठ पर दहकती हुई सलाख से अपनी मोहर खुदवा दी मुझे याद है मैं बहुत रोया था बहुत दर्द हुआ था मुझे उस दिन मेरा बाप भी बहुत रोया था और जब रात को हम अपनी कोठड़ी में सोने के लिए गए तो मेरे बाप ने मुझे सीने के साथ चिमटा मुझसे कहा था याकूत तुम गुलाम मत रहना कोशिश करना कि तुम आजाद जिंदगी गुजारो उसके लिए कुछ भी करना पड़े तुम करना दर एक मत करना अगर मैं ना रहूं तो तुम यहाँ से भाग जाना सरहद अबूर कर जाना हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है वहाँ चले जाना लेकिन एक बात याद रखना कभी किसी को अपनी पीठ मत दिखाना वरना लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और एक भागा हुआ गुलाम समझ कर तुम पर जुल्म करेंगे उस रात मेरा बाप देर तक रोता रहा था मैं देर तक उसकी हिचकियां और छिचकियाँ सुनता रहा और फिर मेरी आंख लग गई लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो मेरा बाप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था तब मैं वहां से भागा लेकिन जल्द ही पकड़ लिया गया मैं फिर भागा और फिर पकड़ लिया गया मुझे जो भी पकड़ता मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देता और फिर मुझे मेरे आखिरी मालिक ने खरीद लिया ये एक हिंदुस्तानी सौदागर था मैं खुशी खुशी उसके साथ चल दिया न जाने हिंदुस्तान जाते हुए मैं खुशी क्यों महसूस कर रहा था मेरा मालिक बहुत अच्छा इंसान था उसने मुझ पर कभी कोई जुल्म नहीं किया मैं जब अपने मालिक के काम से फारिग होकर शमशीर जनी करता तो मेरा मालिक मुझे मना ना किया करता था और फिर जब मैं जवान हुआ तो एक दिन मैंने अपने मालिक से पूछा अगर तुम मुझे कहीं बेचो तो तुम्हें कितनी रकम मिलेगी मेरे मालिक ने रकम बताई और मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं कभी ना कभी किसी जायज तरीके से यह रकम हासिल करके अपने मालिक को दूंगा और गुलामी की जिंदगी से निजात पाऊंगा यही वजह थी कि मैंने आज से दो साल पहले शहजादा शाक्नुद्दीन के साथ खेलों के मैदान में मुकाबला किया था आज मैं आजाद हूँ और सोचता हूँ कई आजादी इस ओहदे इस मरतबे को पाकर जो खुशी मुझे मिली क्या वही मेरा मकसद जिंदगी था अगर मकसद जिंदगी ऐसा होता है तो फिर आपका मकसद जिंदगी ऐसा क्यों नहीं है अगर इंसान गुलामी से निजात हासिल करने के लिए आया है तो आप दोनों बहन भाई किस गुलामी से निजात हासिल करके ये मकसद पाएंगे सोचता हूँ मैंने अच्छा किया या बुरा क्या जब मैं अपने अच्छे आका के पास था तब ठीक था या अब शहजादी रजिया और उसके भाई मोहम्मद ने नहायत रंजीदा दिल के साथ याकूत की दास्तान हयात सुनी रजिया की आंखों में तो आंसू भी तोल मिलाने लगे शहजादा मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त याकूत हबशी को पीठ पर थपकी दी और कहा बहुत खूब तुम तो बहुत ही अजीम इंसान हो आज से पहले तुमने अपनी कहानी क्यों ना सुनाई मैं तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत की दाद देता हूँ लेकिन ये याकूत की बात का जवाब नहीं था अलबत् रजिया ने याकूत को मुखातिब करते हुए कहा इंसानी जिंदगी का मकसद गुलामी से निजात ही है जैसा कि तुमने समझा लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई किसी सौदागर का ही गुलाम हो हम अपनी ख्वाहिशात के भी तो गुलाम हैं। तुमने गुलामी से निजात पाई और कामयाब हो गए लेकिन हम अभी तक गुलामी से निजात नहीं पा सके हमें शाही जिंदगी के बाट बाटने सहूलियात महल्लात आरामदेह बिस्तरों और उमदा घोड़ों का आदि बना दिया है एक तरह से हम इन बेजान चीजों के गुलाम है जबकि तुम पूरी तरह आजाद तुम नहीं जानते कि बादशाहों और शहजादों के क्या मसाइल होते हैं बादशाह इंसानों की एक ऐसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो जंगल के आम जानवरों की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचती है उस नस्ल के लोग तख्तो ताज के लिए अपने ही घर में साजिशें करते हैं अपनी औलाद को हषरात अर्ज की तरह खुद ही खा जाते हैं कितने बादशाह गुजरे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने बेटों को कत्ल करवा दिया या अपने वाले की जान ले ली सच पूछो तो हमारा कोई घर ही नहीं जिस महल में हम खुद को महफूज समझते हैं वो साजिशों का मरकज है हर दीवार में दुश्मन का कोई जासूस छुप बैठा है जाने कोई कब किसी को जहर दे दे किसी को सांप से डसवा दे या बहुतान लगाकर जेल में फेंकवा दे किसी को कुछ खबर नहीं ऐसा गैर महफूज घर जहां हर ईंट के नीचे सांप बैठा हो जहां हर दीवार के साथ जासूस कनीजों के कान लगे हो क्या किसी घराने के लिए मिसाली हो सकता है ये तो एक अजियत है एक ऐसी अजियत जो हमें मिलती रहेगी उस वक्त तक जब तक हम शहजादे हैं माहौल पर गहरी उदासी छा चुकी थी